हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पिताश्री, आपके पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं, फिर अपना विवाह कैसे होगा अनिरुद्ध? अनिरुद्ध कैसे होगा? ये विवाह नहीं हो सकता। पिताश्री आप मत कहो हमें पिताश्री, विद्रोही, निर्लज्ज, हट जा मेरे सामने से। राजकुमारी उषा, ये चित्र अनिरुद्ध का है ना? कान खोल कर सुन लो राजकुमारी उषा, तुम भूल रही हो मैं असुर राज बाणासुर हूं, बाणासुर, और तुम मेरी पुत्री हो, इसलिए तुम्हारे मन मंदिर में मेरे शत्रु के पुत्र का चित्र नहीं होना चाहिए। इस शत्रु पुत्र को मेरे अग्नि ध्वज के अग्नि में जला देना चाहिए, जला देना चाहिए। देखा उषा, मेरा अग्नि ध्वज ध्वस्त हो गया, मेरा ध्वज ध्वस्त हो गया उषा। मेरा अग्नि ध्वज ध्वस्त हो गया। देवी, अनिरुद्ध के चित्र द्वारा बाणासुर के ध्वज के ध्वस्त होने में एक साथ दो संकेत हैं, जिन्हें राजकुमारी उषा ने तो देख लिया है, परंतु बाणासुर इन संकेतों को जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। हाँ प्रभु, ध्वज का ध्वस्त होना एक अशुभ संकेत ये दे रहा है कि यदि युद्ध होगा तो बाणासुर इस युद्ध में हार जाएगा और इसमें उसका विनाश ही विनाश है। और दूसरा अशुभ संकेत जो अनिरुद्ध के चित्र ने विजय ध्वज को ध्वस्त करके दिया है वो ये है कि
अनिरुद्ध राजकुमारी उषा का हाथ सदा के लिए थामने योग्य है। परंतु ये बाणासुर की बुद्धि को क्या हो गया है प्रभु, जो वो आंखें होते हुए भी, अपने सूझबूझ का मालिक होते हुए भी इन संकेतों को अनदेखा कर रहा है। देवी, मनुष्य को बुद्धि इसलिए प्रदान की गई है कि वो अच्छे बुरे की पहचान करे और अपने और सबके लिए अच्छे ही का चयन करे। परंतु जब मनुष्य अच्छे विकल्प का चयन करने के बदले बुराई ही का चयन करे, तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए स्पष्ट संकेत भी उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसकी बुद्धि के मार्गदर्शन के लिए किसी और की सलाह भी दी जाए, फिर भी वो ना समझे, तो फिर इसे उसका प्रारब्ध ही कहा जाएगा। महाराज, आपके ठहाके किसी शुभ समाचार का संदेशा दे रहे हैं। हाँ कुम्हान, मेरे ठहाके युद्ध का संदेशा दे रहे हैं। युद्ध का संदेशा महाराज? कुम्हान, यू समझो कि स्वयं भगवान शिव शंकर ने मेरे इस ध्वज को ध्वस्त किया है। उनके अतिरिक्त किस में है इतना साहस जो मेरे इस विजय ध्वज को ध्वस्त कर सके। कुम्हान, मेरा विजय ध्वज ध्वस्त हो गया। अब युद्ध होगा कुम्हान, युद्ध होगा। परंतु महाराज, युद्ध किससे होगा जब सारे संसार में आप युद्ध करने के लिए विरोधी शत्रु को खोजते फिर रहे थे? तब तो किसी भी वीर ने आपको लोहा लेने का साहस नहीं किया था, तो फिर अब आपसे युद्ध करने का साहस कौन करेगा? हाँ कुम्हान, मेरे शस्त्रों ने जो युद्ध का सपना देखा था वो अधूरा रह गया। मेरे शस्त्र अब भी शस्त्रागार में पड़े केवल सो रहे हैं कुम्हान, कदाचित युद्ध के सपनों में मगन। इसलिए जाओ और मेरे शस्त्रागारों के द्वार खोल दो और मेरे सोते हुए शस्त्रों को जगाकर उन्हें युद्ध का शुभ समाचार दो। मेरे शस्त्रों को रक्त चाटने के लिए उनमें धार दो, उन्हें और पैना करो कुम्हान, पैना। आपकी आज्ञा का पालन हमारा धर्म है, परंतु शस्त्रागार के द्वार खोलने से पहले हमें अपने राज्य के प्रवेश द्वारों को बंद करना होगा। शत्रु से नगर की रक्षा करनी होगी महाराज। तो तुम शस्त्रागार के द्वार खोल दो और नगर द्वारों को बंद करके नगरी की सुरक्षा और भी कड़ी कर दो, और सब प्रहरियों को सावधान कर दो कि कहीं शत्रु का कोई गुप्तचर भेष बदलकर नगर में न घुस आए। जो आज्ञा महाराज। जाओ कुम्हान। इसे बाहर फेंक दिया था, फिर तुम शत्रु के पोते का चित्र क्यों ढाल आई? इसीलिए महाराज, क्योंकि इसी चित्र के द्वारा आपका विजय ध्वज आपके अपने हाथों ध्वस्त हुआ है। जिस ध्वज को बड़े बड़े शूरवीर राजकुमार भीषण शस्त्रों से नहीं ध्वस्त कर पाए थे, उसे राजकुमार अनिरुद्ध के केवल चित्र ने ध्वस्त कर दिया। क्या ये चमत्कार नहीं है स्वामी? ये चमत्कार नहीं महारानी, ये केवल उस मायावी कृष्ण के पोते की माया है। ये केवल माया नहीं,
बल्कि भगवान शिव शंकर की महामाया है, जिन्होंने आपके विजय ध्वज के ध्वस्त होने की भविष्यवाणी की थी। और इस अनिरुद्ध का संबंध माता पार्वती की भविष्यवाणी से है, जिन्होंने राजकुमारी उषा के लिए राजकुमार के चयन का वचन दिया था। परंतु उषा का होने वाला पति मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? तो कोई भी हो सकता है, परंतु अनिरुद्ध कदापि नहीं हो सकता। महारानी, कदापि नहीं हो सकता। क्षमा करें महाराज, पर वो कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए कि सभी राजकुमार राजकुमारी उषा के स्वयंवर के लिए निमंत्रित थे, परंतु सभी के सभी आपका विजय ध्वज ध्वस्त करने में असफल रहे। मात्र राजकुमार अनिरुद्ध ही ऐसा था जिसे स्वयंवर में नहीं बुलाया गया था, फिर भी उसने बिना किसी शस्त्र के मात्र अपने चित्र द्वारा आपका विजय ध्वज ध्वस्त किया है। और फिर महाराज, आप ही ने तो कहा था कि इस विजय ध्वज को ध्वस्त होने और युद्ध के साथ ही राजकुमारी उषा के विवाह का भी संबंध है। महाराज, महाराज, आपको केवल भगवान शिव शंकर की ही भविष्यवाणी को सिद्ध नहीं करना है, बल्कि माता पार्वती की भविष्यवाणी को भी सच कर दिखाना है। महाराज, नहीं, कदापि नहीं। यदि माता पार्वती ने शत्रु पुत्र अनिरुद्ध को ही राजकुमारी उषा के लिए वर के रूप में चुना है, तो मैं माता पार्वती की भविष्यवाणी को झूठा प्रमाणित कर दूंगा। महारानी, महाराज, ये कैसी विडंबना है आदि माता पार्वती, कि पिताश्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रति शत्रुता पनप रही है। हे आदि माता, आप पर ये पूर्ण विश्वास है कि आपने जो भविष्यवाणी की है वो सच ही होगी, और राजकुमार अनिरुद्ध के रूप में आपने मेरे लिए जो वर चुना है वही मेरा जीवन साथी बनेगा। परंतु उस शुभ घड़ी के आने से पहले ही मुझे अपनी भावनाओं को कठिन परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा। हे मातेश्वरी, जब एक ओर पिता हो और दूसरी ओर पिता समान भगवान श्री कृष्ण हो, तो फिर भावनाएं तो संकट में आएंगी ही ना। हे माता, मैं ना अपने पिता का विरोध कर सकती हूँ और ना अपने भगवान का। मैं ना अपने पिता का समर्थन कर सकती हूँ और ना अपने भगवान का विरोध। मैं करूँ तो क्या करूँ मातेश्वरी? अज्ञान के इस अंधकार में मैं भटक रही हूँ मातेश्वरी। अब आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मुझे इस संकट से उबारिए। हे भोलेनाथ, ये कैसी अशुभ वाणी है? हे शिव शंकर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए भोलेनाथ। ये ये तो काल है, ये तो काल की छाया है। हाँ, मैं ही काल हूँ,
मेरी छाया ने सभी दिशाओं को अपनी लपेट में ले लिया है। अब ये राज्य और इस राज्य का राजा भी मेरी छाया का बंदी है। ये राजा भी नष्ट होगा, ये नगरी भी नष्ट हो जाएगी। जैसे विजय ध्वज ध्वस्त हुआ है, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। विनाश, विनाश! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो होना है होकर रहता है, किसी के रोके से नहीं रुकता। परंतु मैं रोकूंगा इसे, मैं महाराज को बताऊंगा, रोकूंगा उन्हें विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ने से, उन्हें रोकूंगा। अशुभ संकेत, ये कैसी अर्थहीन बातें कर रहे हो तुम महामंत्री कुमार? हमारे लिए कुछ भी अशुभ नहीं, सब शुभ ही शुभ है हमारे भाग्य में। इसीलिए कि हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हम आदि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के पुत्र हैं, और तो और शक्ति में हम भोलेनाथ के बराबर हैं। फिर ये छोटे मोटे अशुभ शक्तियां हमारा क्या बिगाड़ सकती है कुमार? क्षमा करें महाराज, आप शक्तिमान हैं, महापराक्रमी हैं, और आपकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। आपने सबको ललकारा है, फिर भी महाराज, अशुभ संकेतों को साधारण और तुच्छ समझना उचित नहीं है। कुमांड, कुमांड, इसका अर्थ है कि तुम अशुभ संकेतों से भयभीत हो गए हो? हाँ महाराज, मैं अशुभ संकेतों से सचमुच भयभीत हो गया हूँ। कुमांड, हम नहीं जानते थे कि तुम इतने कायर हो। अरे तुम जैसे दुर्बल हृदय और डरपोक को सर्वशक्तिमान असुरेश्वर का महामंत्री तो क्या साधारण असुर होने का भी अधिकार नहीं है। क्षमा करें महाराज, मुझ पर कायर होने का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि भयभीत मैं अपने प्राणों के लिए नहीं हूँ। फिर किसकी चिंता तुम्हें विश्राम सैया से इतने सवेरे हमारे सामने ले आई है? आपकी और इस असुर राज की सुरक्षा की चिंता। महाराज, इस राज्य की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर भी उतना ही है जितना कि आप पर है। आप महाराज हैं तो मैं महामंत्री हूँ। महामंत्री हो तो महानता दिखाओ कुमांड। राज्य की सुरक्षा का प्रबंध करने के बदले किसी काल्पनिक काली छाया को काल की छाया समझने की भूल मत करो। क्या तुम नहीं जानते यदि स्वयं काल आ जाए तो भी मेरा बाल का बाका नहीं कर सकता। महाराज, मैं स्वयं काल बनकर अपने शत्रुओं पर टूटना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति से त्रिलोक भयभीत रहता है उसे तुम काल्पनिक काल छाया से डराना चाहते हो? कुमांड, छाया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुमांड, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाराज, जब एक चित्र असुरेश्वर के विजय ध्वज को ध्वस्त कर सकता है तो क्या छाया कुछ नहीं बिगाड़ सकती? कुमार, क्षमा करें महाराज, आप जिसे केवल काल्पनिक छाया कह रहे हैं वो काल्पनिक छाया नहीं, काल की छाया थी, जिसे आप राजकुमार अनिरुद्ध का केवल साधारण चित्र समझ रहे थे। वो भी केवल साधारण चित्र नहीं था महाराज, वो एक संकेत था। किस बात का संकेत कुमांड, किस बात का संकेत? आने वाले भविष्य का संकेत, कि जब राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र आपके विजय ध्वज को ध्वस्त कर सकता है तो जब वो स्वयं आपके सामने आ जाएगा तो आपको भी परास्त कर सकता है। कुमांड, यदि अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो इसी क्षण मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ कुमार, दूर हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। अनिरुद्ध का चित्र जब आपके विजय ध्वज को ध्वस्त कर सकता है
तो जब वो स्वयं आपके सामने आ जाएगा तो आपको भी परास्त कर सकता है, तो आपको भी परास्त कर सकता है। अनिरुद्ध आओ मेरे सामने, मेरी तलवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ आओ मेरे सामने कायर। मैं आपके हृदय की धड़कन हूँ, मैं आपके हृदय की स्वामिनी हूँ। जाने कौन है वो, कहाँ है, कब मिलेगी मुझे? ये प्रेम भी बड़ा विचित्र रोग है, किसी पल चैन नहीं लेने देता। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? नारायण 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 नारायण। प्रणाम ऋषिवर। ईश्वर तुम्हारी इस दशा पर दया करे। राजकुमार अनिरुद्ध, आज आप बड़े ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, आपका चित्त कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा। ठीक रह भी कैसे सकता है ऋषिवर? क्यों, क्या हुआ? मेरी दशा तो उस मनुष्य की भांति है जो रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा है। उसे जल अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है, वो आगे बढ़कर वहां उस तक पहुंचना चाहता है, पर जैसे ही जब कुलाचे भरकर वो वहां तक पहुंच जाता है, पानी और भी दूर दिखाई देने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे पाने की, पर उसे सफलता नहीं मिलती। मेरा मन भी ठीक उसी प्रकार उसके सपने देखता है, पर जब मेरी आंख खुलती है तो वही मृग तृष्णा। हाँ अनिरुद्ध, ये प्रेम एक मृग तृष्णा ही तो है, जो वियोग के मारे प्रेमी को तड़पा तड़पा कर तरसा तरसा कर मार डालता है। तो मेरी इस गुप्त प्रेम कथा का ज्ञान आपको भी है? नारायण नारायण। परंतु ऋषिवर, मेरे मन की दशा ऐसी हो रही है कि जिसे न मैं छुपा सकता हूं न बता सकता हूं। मैं अपने उस सपनों की प्रेमिका को ढूंढना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं, पर विडंबना की बात तो यह है कि उसका आता पता तो दूर, मुझे उसका नाम तक नहीं पता। अनिरुद्ध, कस्तूरी तो हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण उसकी सुगंध से रसमग्न होकर कस्तूरी को ढूंढते हुए जाने कहां कहां भटकता रहता है। अर्थात ऋषिवर, आपको यह भी पता है कि सपने में मेरा दिल चुरा ले जाने वाली वह कन्या कौन है? पर मैं बताऊंगा नहीं। नारायण नारायण। नहीं ऋषिवर नहीं, आप मुझ पे इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकते। अब मुझ में इस वियोग को सहने की शक्ति और शेष नहीं है। मिलन के ठंडक के बिना प्रेम की अग्नि मुझे जलाकर राख कर देगी। नारायण नारायण। तो इसका अर्थ ये है कि प्रेम की अग्नि तुम दोनों के हृदय में बराबर बराबर लगी हुई है। आहा। अर्थात वो भी मेरे लिए उतनी ही उत्सुक है जितना मैं उसके लिए हूँ। ये प्रेम दिव्य प्रेम है, तुम नहीं जानते। इस प्रेम अग्नि की चिंगारी को दिव्य शक्तियों ने ही तुम दोनों के हृदय में रखा है, इसलिए तुम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम दोनों का मिलन अनिवार्य है। परंतु ऋषिवर, आप तो स्वयं हमारे मिलन में बाधा बने हुए हैं। आपने तो सुंदर कन्या का नाम भी नहीं बताया मुझे। मैं तुम दोनों के मिलन में बाधा डालने नहीं, बल्कि तुम दोनों को मिलाने का साधन बनकर आया हूं। फिर भी मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, और ना ही उसका पता स्पष्ट रूप से तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये प्रेम का अपमान होगा, है ना, यदि दो प्रेमी एक दूसरे को ढूंढ न ले। परंतु
परंतु क्या वत्स, जिस प्रकार तुमने उसे केवल पहली बार सपने में देखा था, उसी प्रकार उसने भी तुम्हें पहली बार सपने में ही देखा था, किंतु उसने कन्या होते हुए भी, हजारों बंधनों में बंधे हुए भी तुम्हारा नाम पता कर लिया। उसे यह भी पता है कि तुम कौन हो और कहां रहते हो। सच? हाँ, तो फिर तुम क्यों उसका नाम जानकर अपने प्रेम की गरिमा को कम कर दिखाना चाहते हो? परंतु मैं अपनी प्रेमिका को हर ओर देखता हूं, हर समय देखता हूं, इसलिए डरता हूं कि कहीं भटक न जाऊं किसी कस्तूरी हिरण की भांति मैं उसे खोजते खोजते। इसलिए कम से कम वो किस दिशा में रहती है इतना तो बताने की कृपा करें। तुम्हारी प्रेमिका का प्रेम अब गुप्त नहीं रहा, वो हजारों पहरों में है। उत्तर दिशा में जब तुम्हें धरती आकाश हर ओर प्रहरियों से घिरा देश मिल जाए तो समझो तुम्हारा प्रेम नगर आ गया। प्रेम नगर? धन्यवाद ऋषिवर, धन्यवाद। मैं अभी जाता हूं उत्तर दिशा में अपनी प्रेमिका को खोजने। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। नारायण नारायण। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, कहाँ चला गया? इतनी रात में कहाँ चला गया ये? इस वक्त तो उसे अपनी शैया पर होना चाहिए था। मुझे पहले से ही संदेह था, उसकी दशा ठीक नहीं थी, व्याकुल था वो। इतनी रात गए कहाँ निकल पड़ा वो? ये बात मुझे भगवान श्री कृष्ण को तुरंत बतानी होगी। क्या बात है देवी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? घबराने की ही तो बात है प्रभु। कदाचित आप अनिरुद्ध के शयन कक्ष से आ रही हैं। आपको तो सब कुछ पता है प्रभु। और अनिरुद्ध अपने कक्ष में नहीं है? जब से उसने राजकुमारी उषा को सपने में देखा है तब से वो बावरा बावरा सा फिर रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। ममता की भावनाओं के भंवर में फंस गई ना आप। मैं क्या करती प्रभु, मैं अनिरुद्ध के लिए चिंतित थी, इसलिए रात्रि के इस समय मैं उसके शयन कक्ष में गई थी। परंतु देवी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। वो उसके कक्ष से कहीं निकल पड़ा है प्रभु, तो फिर चिंता नहीं होगी क्या? और पता नहीं कहां चला गया है। और कहां जाएगा, अपनी प्रेमिका से मिलने गया है। परंतु वो तो उसको जानता तक नहीं है। वो जानता है, उसे नारद जी ने सब कुछ बता दिया है। अच्छा, परंतु वो तो शत्रुओं का देश है, उसे वहां यूं अकेले नहीं जाना चाहिए ना। प्रेमिका से मिलने के लिए अकेले ही जाना पड़ता है, और शत्रुओं का देश है तो क्या हुआ,
हमारा अनिरुद्ध माया भी तो जानता है, और वैसे भी आपकी चिंता व्यर्थ है, अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा। बस आप कहते हैं तो अनिरुद्ध को निश्चित ही कुछ नहीं होगा। मुझे आपके कथन पर पूर्ण विश्वास है प्रभु। और देवी ये मत भूलिए कि अनिरुद्ध का ये प्रेम केवल प्रेम का खेल नहीं है, ये तो विधि के नाटक का एक ऐसा दृश्य है जिसके द्वारा बाणासुर अपने अंत को पहुंचने वाला है। परंतु इससे पहले इस अलौकिक प्रेम कहानी का रस तो लीजिए देवी। अच्छा, तो प्रभु इसी आनंद में मग्न अपनी बांसुरी से प्रेम राग की गंगा बहा रहे हैं, है ना? नगरी के द्वार पर इतना पहरा, अवश्य वही प्रेम नगरी है जिसका जिक्र नारद जी मुझसे कर रहे थे। यहीं पर मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी। यही मेरी प्रेम नगरी है, यहां मैं अपने प्रेमिका से मिलूंगा। परंतु मुझे अपनी मायावी विद्या से ही अंदर जाना होगा। कृष्ण का पोता, द्वारिकाधीश का राजकुमार अनिरुद्ध हूं। राजमहल के भीतर कैसे आ गए? मैं अपनी प्रेमिका को खोजने आया हूं। प्रेमिका को खोजने आया हो? बंदी बना लो इसे, बंदी बना लो। सावधान, तुम में से कोई भी मुझे पकड़ने का सामर्थ्य नहीं रखता। लगता है अब मुझे यहां से शीघ्र ही निकलना होगा, वरना बात आगे बढ़ जाएगी। अनिरुद्ध! हां सुरेश्वर, वो अनिरुद्ध ही है, श्री कृष्ण का पोता है। श्री कृष्ण कहकर उस ग्वाले का नाम आदर से मत लो दुराचक। वो भी रणछोड़ और ये भी रणछोड़, देखो कैसे भाग रहा है ग्वाले का पोता। वाह राजकुमारी वाह, अपने पिता की आंखों में धूल झोंक कर अपने पिता के शत्रु से मिलने आई हो। अगर देखो वो डर के कैसे भाग रहा है। भगोड़े ग्वाले का भगोड़ा पोता। आप नहीं लौट के आ सकेगा वो, मैं नगर के सारे द्वार बंद करवा दूंगा। पिताश्री, आपके राजमहल के द्वार उनके लिए बंद हो सकते हैं, परंतु मेरे मन के द्वार
उनके स्वागत के लिए सदा खुले रहेंगे, वो जब चाहें आए। दुराचक, आज्ञा सुरेश्वर, हमारी पुत्री हमी से विद्रोह कर शत्रु से साठगांठ कर रही है, इसलिए तुम राजभवन में पहरे बढ़ा दो। हम राजकुमारी के लिए राजभवन को कारागार में बदल देना चाहते हैं। नहीं, नहीं। कुलक्षिणी, नहीं। कलबुही, चल। नहीं। फूलों की वर्षा क्यों कर रहे हैं आप? अपने मन मंदिर की देवी को पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। मुझे विश्वास था कि आप आए बिना नहीं रह पाएंगे। प्रिय, मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते निराश होकर वापस जा रहा था, और तुम यहाँ छुपी बैठी थी। तुमसे भला मैं कहाँ छुप सकती हूँ? तुम तो सपनों में आकर मुझे निहारते रहते हो, और आंख खुलने पर छुप छुप कर चोरी चोरी तुम्हारे ही चित्र के दर्शन करती रहती हूँ। सपनों की बात छोड़ो, सपनों से आंखों की तृप्ति नहीं होती। मैं तुम्हें अपने समक्ष देखना चाहता था, इसलिए इधर आया हूँ। अच्छा हुआ तुमने दर्शन तो दिए। ये रूप तो तुम्हारी ही संपत्ति है, तुम्हारा ही अधिकार है मुझ पर, परंतु अभी से इतने निकट आकर मत निहारिए। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन एक श्राप है। नहीं प्राणप्रिय, मिलन की इस शुभ घड़ी में जान देने और श्राप की अशुभ बातें न कीजिए, इससे मेरा दिल डूबने लगता है। अपने हृदय को संभालो, देखो मेरा हृदय कितनी तेजी से दौड़ रहा है। जब तक हम दोनों के हृदय की धड़कनें एक नहीं हो जाएंगी, मन को शांति नहीं मिलेगी, न मेरे मन को और न तुम्हारे मन को। प्रिय, आओ, वापस जाने से पहले एक बार मेरे गले से लग जाओ। सुरेश्वर, मत करो हमें प्रणाम। हम जिसका आदर करते हैं उसे ही प्रणाम करते हैं, परंतु तुम तो हमारे राजभवन में घुसकर हमारी लाज से खेल रहे हो। तुम्हें किसी के मान सम्मान की क्या चिंता? हे असुरेश्वर, मैंने आपकी पुत्री से प्रेम करके उसका मान बढ़ाया है। रात्रि के अंधेरे में बिना हमारी अनुमति के हमारे राजमहल में घुसकर और सबकी आंखों में धूल झोंककर ना जाने तुम कैसी प्रेम लीला रचा रहे थे अनिरुद्ध। हे असुरेश्वर, हम वास्तव में पहली बार मिले हैं, और ये दीवारें इस बात के साक्षी हैं, और यही इस बात के साक्षी होंगी कि हमारा प्रेम पवित्र है, इसमें कोई पाप की भावना नहीं है। हट! तुम हमारे शत्रु कृष्ण के पौत्र हो, इसलिए हम केवल तुम्हें शत्रु की दृष्टि से देखते हैं। इसी कारण हमें ये विश्वास है कि तुम प्रेम का नाटक रचाकर हमारी नासमझ पुत्री को भरमा रहे हो। नहीं, ये सत्य नहीं है। अगर मेरे मन में खोट होता और आपके मान अभिमान की धज्जियां उड़ाना ही मेरा उद्देश्य होता, तो छूटते ही आपकी पुत्री का हाथ पकड़कर अपने विमान में भगा ले जाता मैं उसे। अनिरुद्ध! परंतु अपने होने वाले ससुर का मान सम्मान भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना अपना मान सम्मान। बकवास बंद करो अनिरुद्ध! मैं तो आपकी आज्ञा से आपकी सुपुत्री को ब्याह कर डोली में बिठाकर ले जाना चाहता हूँ। हमारे राजभवन से तुम्हारे घर तक हमारी पुत्री की डोली नहीं, तुम्हारी अर्थी जाएगी अनिरुद्ध, अर्थी।
प्रहरियों, हमारे स्वाभिमान और प्रतिष्ठा में सेंध लगाने वाले इस घुसपैठियों को पकड़कर इसका सर उड़ा दो। अनिरुद्ध। शुभ रात्रि प्रिय, मैं फिर आऊंगा, पर आपकी बार विमान लेकर नहीं आऊंगा, डोली लेकर आऊंगा। उषा, कमीनी हट! चित्रलेखा, तुम? मुझे लगा कि कोई और है। क्यों, क्या तुम्हें किसी और की भी प्रतीक्षा है? जिसकी प्रतीक्षा है वो आया भी और चला भी गया। हाँ, वही ना जो निस्सन तुम्हारे सपनों में आता है, राजकुमार अनिरुद्ध। और कौन आ सकता है भला सपनों में? कल रात तो वो सपने में भी आया था और वास्तव में भी। सच? फिर तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, पर तुम्हारे चेहरे पर मिलन की घड़ियों की खुशियां दिखाई नहीं दे रही। तुम तो मुंह भी सोरे बैठी हो। मिलन होता तो खुशी होती ना। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो आया और तुमसे मिला भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरी मूर्खता से हुआ है। वो तो इस कक्ष में भी आया था। वो कल रात तुम्हारे शयन कक्ष में आया था, जिसे तुम अपना पति मान चुकी हो, और तुम उससे मिली भी नहीं। क्या तुम शयन कक्ष में नहीं थी? थी तो क्या शैया पर सो रही थी? शैया के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे छुपी बैठी हुई थी। क्या, तुम्हें अपने प्रियतम से डर लग रहा था? नहीं, मैं तो ये सोचकर डर गई थी कि पिताश्री आ गए हैं। अगर महाराज बाणासुर भी होते तो इसमें डरने वाली क्या बात है? यही तो मेरी मूर्खता है। मैं सचमुच डर गई थी, क्योंकि उस समय मेरे हाथों में अनिरुद्ध का वो चित्र था जो तुमने मुझे फिर बनाकर दिया था। घबराहट में चित्र छुपाने के बदले मैं चित्र के साथ स्वयं ही छुप गई। पर तुम्हें ये मालूम कैसे हुआ कि वो वही था? जब वो लौट रहे थे तो पिताश्री ने उन्हें देख लिया था। उनका नाम सुनकर मैं भागी भागी गई, पर तब तक वो आकाश में विमान सहित जा चुके थे। मतलब ये मिलन अधूरा रह गया। समस्या अब और भी गंभीर हो गई है। अति गंभीर। मुझे छत पर देखकर पिताश्री को ये भ्रम हो गया कि मैं उसे चोरी छुपे मिल रही हूँ, और उन्होंने मुझे इस शयन कक्ष में बंदी बनाकर रख दिया है। तभी बाहर इतना कड़ा पहरा है, पर मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं? मैंने माताश्री से याचना की थी कि तुम्हें आने से न रोका जाए। अगर मैं चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। क्यों, तुम कोई रानी महारानी हो जो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता? मैं रानी महारानी का वेश भी धारण कर सकती हूँ, और अगर चाहूँ तो किसी के सामने से गुजर जाऊँ ना, तो वो भी मुझे देख नहीं सकता। इसका अर्थ है कि तुम्हें माया आती है? हाँ, परंतु तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया। इसकी कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी तो फिर क्या बताती। वैसे भी माया सीखने के समय गुरुदेव ने मुझसे वचन लिया था कि मैं अपनी माया का कभी अनुचित प्रयोग न करूं, न ही कभी दिखावे के लिए इसका अनुचित प्रदर्शन करूं। चित्रलेखा, तुम तो बड़ी काम की चीज हो। तो फिर संभाल के रखो इस काम की चीज को, कहीं खो न जाए। तुम्हें तो मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी। और अनिरुद्ध को? हट निर्लज। अच्छा, नाम लेते ही तुम्हारा मुंह लज्जा से लाल हो गया है, और अगर सामने ला दूं तो? चित्रलेखा, क्या ये संभव है? अभी लेकर आऊं? नहीं नहीं, इस समय तो इतना पहरा है कि दीवारों को भी जैसे आंखें निकल आई हैं। तो ठीक है, तुम मुझे कोई उपयुक्त समय बता दो, मैं तुम्हारे राजकुमार को तुम्हारी सेवा में उपस्थित कर दूंगी।
कृष्णा।